मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरा देश आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले शहीदों को अंतिम सलाम कर रहा है। तमिलनाडु में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में कामराज मार्ग पर मौजूद उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इसके बाद नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी अब से थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, कॉमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ हैं और कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। कॉमोडोर जीजे सिंह, मैं पहले आपसे शुरू करूंगा। पूरा देश इन्हें मिस तो करेगा, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन, इनके विजन को आगे ले जाना, ये उनके लिए सबसे फिटिंग ट्रिब्यूट होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो जनरल रावत हुए हैं, जो जिस तरीके से इन्होंने सीडीएस अपॉइंटमेंट को क्रिएट करवाया और उसको फिर उसकी पटरी बिछाकर उसके ऊपर चलाया उसको, और एक वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट एडवाइस, एक पॉइंट बनाकर टू पॉलिटिकल क्लास, टू प्रेसिडेंट, टू प्राइम मिनिस्टर, टू अदर पीपल हु आर अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स, उनको बताना, एक जो लिंक, वन सिंगल पॉइंट लिंक जो इन्होंने बनाया, साथ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया इन्होंने एक कन्वेंशनल आर्मी से लेकर आज की मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ, चाहे वो एक असॉल्ट राइफल हो, अगर स्पेक्ट्रम की बात करूं तो असॉल्ट राइफल से विक्रांत तक और पनडुब्बियों तक, चाहे वो टैंकों की मॉडर्नाइजेशन की बात हो, गन्स की बात हो, एक्विजिशन और 777 की बात हो, चाहे वो अपाची जा राफेल जैसे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स की बात हो, चाहे वो जिसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म्स कोल्ड वेदर के लिए उसकी बात हो, जो हमारी फौज है उसकी वेलफेयर की बात हो, हर सेक्टर के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन जो रही है वो अद्भुत रही है। और मैं कहूंगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हिस्टोरिक थी, इसकी वजह से आज अब कितना बड़ा जमावड़ा जो देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, ऑपोजिशन हो, रूलिंग क्लास हो, मिनिस्टर्स हो, आम जन हो, जिसकी अभी आर्मी वाले वहां रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी गन कैरेज को जाने की इजाजत हो जी, ये साथ में उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच थी उसको दर्शाता है कि किस तरीके से इन्होंने आर्म फोर्सेस को आम जन के दिलों में बिठा जी पॉपुलैरिटी दे दी, किस तरह इन्होंने हर तरीके, चाहे वो टेररिस्ट को काउंटर करना हो, कश्मीर के अंदर एक एंटी टेररिस्ट सिक्योरिटी ग्रिड बनानी हो, एलएसी की बात हो, चाहे वो ले लद्दाख की बात हो, गलवान की बात हो, या डोकलम की बात हो जी, या फिर जिसे कहते हैं कि ईस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात हो, आकाश में ट्रायम्फ जैसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स को हमारी आकाश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, इन्होंने जो सिंगल पॉइंट एडवाइस किया हमारी पॉलिटिकल क्लास को, ये मैं कहता हूं बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सराहना योग है, और ये करना बहुत मुश्किल था। और ये भी कैसे पॉलिटिकल, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉम विद इन रेजिस्टेंस होती है, ऑपोजिशन होती है, साबोटाज होता है, किस तरीके से इन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ या अपनी समझ सोच के साथ उसके थ्रू नेविगेट किया जी, he waded through it and then ultimately achieved the ultimate aim,
वो जो पर्पस के लिए इनको बैठाया गया था उसको इन्होंने बना दिया। अब बात कर होती है कि सीडीएस जो नया बनेगा, मैं कहूंगा कि पहले जब पूरा सिस्टम को रिफाइन कर दिया, उसको पूरा आपने सेट इन मोशन कर दिया और पटड़ी पे डाल दिया, अभी तो भी दूसरे लोग आएंगे, वो सिर्फ इंजन को चलाना ना, बाकी जो प्रोसीजर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म होता है हमारी ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसको पूरा साफ कर देना। ये जो चीजें हैं ये आसान नहीं होती, मगर व्हेन यू हैव ए पर्सन विद ए वेरी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव माइंड, हु कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, प्लस हु कैन ऑल्सो फ्रॉम विद इन हिम ही कुड कम आउट एंड टू कम्युनिकेट विद दीज पीपल एंड कन्विंस देम, हिज रीजनिंग कन्विंसिंग एबिलिटी टू एस्पेशली पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड। अपने देश की जो पॉलिटिकल क्लास है आम करके, ज्यादातर थोड़े ज्यादातर मैं कह रहा हूँ, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता होता है, अपने गांव में कहाँ वोट बैंक है, कहाँ पे मोहल्ला गली, कहाँ पे उनको वोट आएगी, ये चीजें जानते हैं। देश को नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कॉम्प्रहेंड करने की एबिलिटी कैलिबर नहीं होता, मगर यहाँ पे हमने एक ऐसा जनरल आए जो का कांगो में, और जिस तरीके से उसने कोर्सेज किए इंटरनेशनल संस्थाओं में जाकर, कांगो में उसका एक्सपीरियंस रहा विद पीस कीपिंग फोर्स, फिर रीजनल पूरी अंडरस्टैंडिंग रही, एलएसी और एलओसी के ऊपर तो होड़ था ही उनका, और साथ में ये थिएटर कमान की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कोस्ट जो है हमारे दोनों सी बोर्ड्स, उनके ऊपर अंडमान आइलैंड्स की सुरक्षा के लिए, तो ऐसी जो चीजें इन्होंने बनाई और समझ के साथ सब हमारे जो डिसीजन मेकर्स है पॉलिटिक्स में उनको समझाया और उनको लाइन पे लेके आए, ये एक चीज ऐसी है जिसने देश आम जन ने देखा और उसने समझा कि इस आदमी के नीचे हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल, और एवरीबॉडी फेल्ट प्रोटेक्टेड अंडर जी। और सबसे बड़ी बात है कि एक विजन जो है ना, विजन ये था कि भारत स्ट्रांग होना चाहिए, और हमारा जो सैन्य बल है उस सैन्य बल के इंटेंट के साथ साथ उनकी कैपेबिलिटी भी मजबूत हो जानी चाहिए, और मिलिट्री इंटेंट का कुछ सपोर्ट जो पॉलिटिकल विल के साथ मिला है वो भी जरूरी था, और जनरल बिपिन रावत पर ट्रस्ट करता है ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कर्नल शैलेंद्र सिंह, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हमने सिर्फ सेना में नहीं हमने वायुसेना में और नौसेना में सब जगह हमने देखा है कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, और इसको ये बहुत ड्राइव कर रहे थे। और कोविड काल में जब गलवान वाला किस्सा हुआ, जब चीन का वहाँ पर पैंतरा स्टार्ट हुआ, तब उस टाइम में पीपीई किट्स के साथ साथ कोल्ड वेदर कंडीशंस में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में किस तरह की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए वो भी लोकली बनाई गई, उसको उस पर भी इन्होंने उनकी भूमिका थी, जिसको कि खुद स्मृति ईरानी ने ट्वीट के जरिए उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया। फिर जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ, उस मोबिलाइजेशन को प्लान करना, तीनों सैन्य बल को फिर इंटीग्रेट करना, ये सारी चीज़ें जो है छोटी बात नहीं है। अब से थोड़ी देर में उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, नेवी के पर्सनल, ट्राई सर्विसेज पर्सनल वहां पहुंच चुके हैं, बाहर तैयारी है, लेकिन सबके मन में यही होगा कि इन्होंने जो शुरू किया उसे हमें खत्म करना है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, अंजाम तक लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। उन्होंने जो शुरू किया है इसे हमें आगे लेकर जाना है जी, इसे खत्म नहीं करना है जी। आई थिंक अगर बिपिन रावत साहब होते तो आज हमें करेक्ट कर ये बोलते कि मैंने शुरुआत करी है, मेरे से आगे बढ़ो, मेरे से और आगे लेके चलो, ये जॉइंट मैनशिप है, ये सिनर्जाइजेशन है, तीनों फोर्सेस इकट्ठे काम कर सकती हैं, जरूरत है। आप बढ़िया बात देखिए, मैं हर जगह पर ये बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा, ही इज द वन ऑफ द फर्स्ट चीफ हु हैज सेड के 2.5 फ्रंट वॉर जी। वो भी कब कहा जब उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि चीन इज माय नंबर वन एनिमी, चाइना इज माय नंबर वन एनिमी, और किस समय कहा, जब इंडिया चीन के बीच में बहुत अच्छी बॉनहोमी दिख रही थी, प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट इकट्ठे आने की कोशिश कर रहे थे, हम इकोनॉमिकली डेवलप होने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने ये कह दिया। दैट शोज कि अगर आप सच बोल रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप बोलिए जी।
कोई सोच सकता था कि एक चीफ ये बोल दे और बाद में लोग कह दें कि नहीं जी देखिए वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चीजों को ठीक किया है। जहां तक आगे ले जाने की बात है, अरे भाई सारे रोड ब्लॉक्स तो उन्होंने बिल्कुल स्मूदन आउट कर दिए हैं तीनों सर्विसेज के बीच में। अब तो सिर्फ काम करने वाला चाहिए, काम को आगे बढ़ाने वाला चाहिए और नया विजन चाहिए और चीजों की एडिशन चाहिए। इफ बिपिन रावत इज टू बी पेड करेक्ट ट्रिब्यूट, लेट अस नॉट ब्रिंग इट टू अ एंड, वी विल टेक इट फॉरवर्ड एंड वी विल कंटिन्यू टेकिंग इट फॉरवर्ड। जी, खत्म करने का मेरा इरादा इस तरह था कि अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, उसको आगे ले जाने की उस मतलब से। लेकिन आपने जिस जज्बे की बात की, मैं उसको पूरी तरह से मैं सर माथे रखकर उसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कमोडोर जीजे सिंह कि अब जो नेक्स्ट पर्सन जो इस भूमिका में आएंगे, सीडीएस की भूमिका में जिसको भी चुना जाएगा, उसकी प्रक्रिया भी पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। लेकिन हाँ, एक कलेक्टिव विजडम की बात और परामर्श के बाद होगा और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस पर चिंतन शुरू कर दिया होगा, क्योंकि काम रुक नहीं सकता, शो हैज़ टू गो ऑन। और कहीं ना कहीं जो जज्बा हमने गीतिका लीडर जी से देखा जब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनको हंसकर विदा करना चाहिए, मैं एक फौजी की पत्नी हूं, मैं नहीं चाहती हूं, मुझे दुख है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम इनको हंसकर विदा करें, क्योंकि इन्होंने देश सेवा में अपनी जान गंवाई है, अपने ऑफिशियल ड्यूटी निभाते हुए एक एक्सीडेंट में इनकी जान गई है, लेकिन हमें इन्हें हंसकर विदा करना है। इस बात पर कि इनके इनके जीवन पर, इनके काम पर, इनके यूनिफॉर्म पर हमें गर्व है, ये जज्बा गीतिका लीडर जी ने दिखाया, बताया। ये जो जज्बा है, इसी के लिए ये पूरा देश आज इस तरह से शोकग्रस्त है, इस जज्बे को ही सलाम कर रहे हैं सब। बिल्कुल, देखिए ये जो आप कह रहे थे अभी दीपिका जी के बारे में, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है, कितनी ये एक मोरल बूस्टर की तरह काम करती है, स्पेशली जो हमारी वीर नारी हैं। फिर उनकी बच्ची कह रही थी कि पापा के बारे में बता रही थी, तो उसका कितना गर्व था एक फौजी ऑफिसर के, फौजी मिलिट्री ऑफिसर की बेटी होने से पिता को खोया, पर फिर भी उसकी आवाज के अंदर गर्व था, राइट जी। और ये जो चीजें हैं, ये हमारे जो सर्विस की एक ब्रिंगिंग अप, जहां जो हमारा एटमॉस्फेयर है फ्रेटर्निटी, उसके अंदर अपने आप इम्बाइब होती। दूसरी बात कि हमारे जनरल्स जो हैं, हमारी जो स्टॉक है वो इतना मजबूत है कि हम जरूर कोई ना कोई ऐसे उठेंगे जो उसी रास्ते के ऊपर चलेंगे, उनके ही कदमों के अंदर, उनके शूज के अंदर फिट होंगे और आगे बढ़ेंगे, मेरा ये विश्वास है। तो हमारे ट्रेनिंग जो है, हमारा जो एक माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, साइक है, जहन है, वो मिलिट्री में ऐसा बनता है कि हम हमेशा ऐसी स्थितियों को देखने में सक्षम रहते हैं। हमको हमेशा रहता है इस चीज का ख्याल कि ये हो सकता है जो हुआ कल जी। और ये जो चीजें हैं, इस ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ बना हुआ है जी, क्योंकि सिविल और डिफेंस के अंदर बहुत फर्क होता है, आनंद आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हमारी देश में जो जनरल्स का स्टॉक है, अभी एडमिरल्स का, एयर मार्शल का है, इतना बड़ा पूल है, लेट मी पुट इट दिस वे, उसमें से हमें जरूर ऐसे ऑफिसर मिलेंगे, ऐसे जनरल मिलेंगे जो इसी मिशन को आगे ले जाएंगे, क्योंकि अभी तो सब इंजन चलाने वाली बात है। जैसे अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि रोड ब्लॉक तो सब निकाल दिए ना, अभी तो लाइन है, पटड़ी बिछाना मुश्किल होता है जिसे कहते हैं, पटड़ी तो बिछा दी, वो बिछा के अभी चलेंगे और काम चलता रहेगा, शो मस्ट गो ऑन, बिकॉज ये एक ऐसी बात है कि जो एक नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल जो मुद्दा खड़ा हो जाता है, वो नेशनल ग्रीफ से, नेशनल शॉक से, नो डाउट इज ए बिग सेटबैक, बट सेटबैक से बाहर निकलकर फिर देश की सुरक्षा और देश के ऊपर कोई आंच ना आए, उसका जो एक मन में हमारे फौज पे होता है वो चलता रहेगा, वो चिराग जलता रहेगा।
बिल्कुल और शहीद जो है माने जाएंगे। अभी तो मुझे याद आ रहा है, कहते हैं ना शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर साल मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये तो अभी ऐसी है कि इन्होंने देश के अंदर हमारे जो शहीद हुए हैं कि जितने वॉर्स के अंदर जो मेमोरियल बने हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम, मैं मेरी अपनी समझ है, मैं तो ये मानता हूं कि ये फौज को हमारे सिविल माइंड लोगों के मासेस के अंदर, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो, चाहे वो इंडस्ट्री, उनके दिलों के अंदर एक बहुत बड़ी जगह बना दी है इस गवर्नमेंट ने पिछले 6-7 साल से। जब भी ये बिल्कुल देखिए, एक जो जो अपने आप को देश के नाम करते हैं, उसे क्या चाहिए कि जो बाकी अन्य के उसके देशवासी उसकी कदर करें और उसको याद रखें, उसकी कुर्बानी को याद रखें और उसको भूले नहीं, और खुद अपने हिसाब से जो कर सकें देश के लिए वो करें। कर्नल सिंह और कमोडोर जीजे सिंह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। 2 बजने को आए हैं, ग्राउंड पर ही सीधा चलते हैं जहाँ कामराज मार्ग से ब्रार स्क्वायर तक अब अंतिम यात्रा शुरू होगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, जो खुद उस विमान में, उस हेलीकॉप्टर में थी बतौर प्रेसिडेंट ऑफ द DWWA। तो धीरे धीरे वो घड़ी आखिरकार पास आ रही है जो वाकई और दिल को गहरे तौर पर जख्मी कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के बेहद करीब। ये पूरा जो प्रोसेस इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आपको मिलिट्री पुलिस की ये वैन नजर आएगी, जहां पर ये पूरा काफिला आपको नजर आएगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को देखिए किस तरह से अभी आगे बढ़ाया जाएगा। अंतिम दर्शन की जो ये पूरी प्रक्रिया थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और अब बस यहां से निकलकर बराज स्क्वायर शमशान घाट पहुंचेंगे, जहां पर पंचतत्व में हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। लेकिन उनका अदम्य साहस, उनकी वीरता, उनकी निर्भीकता कभी भी खत्म नहीं होगी। देखिए मेरे सहयोगी अजय आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहां से बस कुछ ही देर में निकाला जाएगा, और सिक्योरिटी पर्पज से भी हम पूरी कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि किसी को फिलहाल पास जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस तस्वीर के जरिए आप जरूर देख सकते हैं, ये पूरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे तौर पर, ये जो पूरा प्रोसेस है वो उनकी अंतिम संस्कार की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो वाकई दिल को एक दर्द देता है, चोट देता है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी निर्भीकता हमेशा से उनके जरिए सामने आती रही है वो हमेशा याद करती आगे भी जाएगी। लेकिन हम भी साथ ही पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको इस प्रोटोकॉल को मानना होगा, सभी को फिलहाल बीच की जो ये सड़क है वो खाली की गई है ताकि किसी भी तरह से इस प्रक्रिया में कोई बाधा यहाँ पर ना आए। लेकिन एक बार फिर से अजय आपको दिखाएंगे पूरी ये पीछे की तस्वीर, जहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर है, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी पार्थिव शरीर है, परिवार के सदस्य भी जाहिर सी बात है उनके साथ मौजूद है, क्योंकि सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा जो धक्का है उनके परिवार को लगा है और देश को झकझोर कर रख दिया उस घड़ी ने, उस मनहूस वक्त ने जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया तमिलनाडु के कुन्नूर में, नीलगिरी का जो जंगल है किस तरह से 13 जिंदगियों को हमेशा के लिए लील गया। लेकिन यहां पर कई राज्यों के लोग आए हुए हैं, सिर्फ दिल्ली के नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं है। उत्तराखंड का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो उत्तराखंड से थे, एक अलग प्रेम जो था उनका अपने राज्य के प्रति भी हमेशा से रहा, क्योंकि जन्म लिया वहां पर, खेले कूदे बड़े हुए। पर इस बीच कहा जा सकता है ये जो तमाम तस्वीरें आप हमारे सामने देख रहे हैं अब धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। और मेरी सहयोगी जसप्रीत भी मेरे साथ इस वक्त बनी हुई है, जसप्रीत की तरफ हम जाएंगे। जसप्रीत, बस कुछ ही देर में ये जो पूरा प्रोसेस है आगे बढ़ते हुए पंचतत्व में विलीन यहां पर हो जाएंगे और बराड़ की तरफ पहुंचेंगे, किस तरह से वहां पर गमगीन करने वाली तस्वीरें आ रही हैं सामने। फिलहाल
बिल्कुल सबीना, इंतजार हो रहा है बिपिन रावत के पार्थिव शरीर का। हम इस वक्त ब्रारा स्क्वायर शमशान घाट में मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पर पार्थिव शरीर यहीं पर रखा जाएगा। कुर्सियाँ इस वक्त आप देख सकते हैं और 3:30 बजे का वक्त होगा जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा। बिपिन रावत का, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर आएगा। उसके बाद 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक उनको पुष्प अर्पित किए जाएंगे। 4 बजे से 4:15 बजे तक VVIP उनको पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद परिवार के लोग श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद 4:45 बजे के लगभग 17 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी। 800 जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद उनकी बड़ी बेटी रितिका रावत उनको मुखाग्नि देंगी और हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जनरल रावत, जिन्होंने हमेशा से कहा कि एक बड़े फौजी तो थे ही, साथ ही CDS तो थे, समूचे देश ने एक CDS को तो खोया, लेकिन उन्होंने बताया कि चाहे फिर सेना का साहस बढ़ाना हो, उसकी ताकत को बढ़ाना हो या दुश्मन को ललकारना हो, जब वो आर्मी चीफ बने थे सबीना 2016 में बिपिन रावत, तो उन्होंने बोला था सरकार को कि अगर खुली चुनौती सेना को दी जाए तो वो दुश्मन के घर में घुसकर उसका सामना कर सकते हैं। पीछे आप देखिए माहौल गमगीन है, लेकिन इंतजार हो रहा है क्योंकि हर कोई, मीडिया का जमावड़ा तो यहाँ पर है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आर्मी का सख्त यहाँ पर प्रोटोकॉल है, हम कैंट के एरिया में मौजूद है, में आगे नहीं जाना है, लेकिन हर कोई एक झलक पाना चाहता है उनके पार्थिव शरीर की, कि आखिरी बार उनको सलामी दी जाए, अंतिम संस्कार यहीं पर होगा और उसके बाद वो हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, मिट्टी का देह माटी में ही समा जाएगा। और देखिए, जब ये खबर आई बुधवार को तो सबने ये सोचा कि चमत्कार हो जाए, काश ये खबर झूठी निकले। और जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की इसमें जान चली गई, जिसमें उनकी पत्नी भी थी और 2 बेटियां उनकी हैं, जिसमें एक का विवाह हो चुका है, एक का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। एक माता पिता दोनों का साया उन बेटियों के सर से चला गया। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, अजीब सी शांति है, क्योंकि इससे पहले सुबह के वक्त यहाँ पर ब्रिगेडियर LS लिट्टर का को मुखाग्नि दी गई थी, उनकी एक बेटी है, उन्होंने उनको मुखाग्नि दी। उसके बाद अब तैयारियाँ यहाँ पर हो गई हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा प्रोटोकॉल है, अनिल आप वहाँ पर तस्वीरें दिखाइए, इंतज़ार हो रहा है और वहाँ पर सैनिक मौजूद हैं, उसका पूरा काफिला है, यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी है और लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगेगा जब वहाँ से उनके घर से यहाँ पर जसप्रीत दर्शन दर्द देता है, क्योंकि एक ऐसा इंतजार है जो अंतिम विदाई के तौर पर है और किसी को भी अंतिम विदाई देने का जो ये इंतजार होता है, सबसे बड़ा दर्द जो है वो सामने लाता है। और मेरे सामने देखिए ये पूरी कतार इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी अजय आपको दिखाएंगे, सभी के हाथों में ये पोस्टर है, ये भारत हिंदुस्तान का ये झंडा है और साथ ही लिखा हुआ है CDS जनरल बिपिन रावत जी अमर रहे। श्रीमती मधुलिका रावत जी को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, नमन उन्हें किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद हर किसी के चेहरे पर गम है, हर किसी के दिल में गम है। एक आदर्श के तौर पर हमेशा से रहे, वो जज्बा हमेशा से नजर आया जो दुश्मनों को थर्राने पर मजबूर करता रहा, लेकिन इस तरह से अचानक से ये हादसा सामने आएगा, किसी ने कल्पना भी यहां पर नहीं की थी, क्योंकि कई बार इससे पहले भी वो मौत को मात देकर सामने आ चुके थे और उम्मीद यही की जा रही थी कि ये खबर भी बिल्कुल झूठी निकले, लेकिन ये कड़वा सच आखिरकार जब सामने आया तो हर किसी की आंखें नम हो गई, हर किसी के लिए विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल यहां पर रहा। लेकिन हमेशा से अपने संबोधन में जब भी वो किसी को कोई संदेश देते थे तो राष्ट्र को सबसे पहले रखते थे, हमेशा से कहते थे कि सिर्फ रोजगार के दायरे तक अपनी जिंदगी को सीमित नहीं रखना है, बल्कि रोजगार देने वाला बनना है ताकि देश हित यहां पर हो सके। एक बार फिर से आप देखिए ये जो लंबी कतार है, यहां शांत बैठी जो ये पूरे लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, सभी के दिल में दर्द है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा वर्ग हो, हर किसी के बीच में एक पैठ हमेशा से यहां पर रही। और कामराज मार्ग यानी कि यहीं से बराड़ स्क्वायर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा का ये सफर शुरू होगा बस कुछ ही देर में। दिल्ली पुलिस की अगर माने तो अभी जो बातचीत भी यहां पर हो रही थी, कामराज मार्ग से होते हुए 3 मूर्ति 11 मूर्ति फिर धौलाकुआ होते हुए CDS बिपिन रावत की जो अंतिम यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि बराड़ स्क्वायर तक पहुंचेगी जहां पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ, विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। साल 2017 भी सभी को याद है जब आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने देश के 2.5 मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार होने की बात की थी, तो हर कोई हैरान था कि आखिर ये आधा मोर्चा क्या है जिसमें पाकिस्तान और दूसरा चीन। हमेशा से उन्होंने अपने जज्बे के जरिए, अपने हौसले के जरिए सिर्फ बयान ही नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बयान देते थे, बल्कि उन बयानों को लेकर जो उनकी रणनीति सामने आती थी, जो स्ट्रेटेजी सामने आती थी, यूं ही उन्हें मैन ऑफ द स्ट्राइकर, जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहा जाता है, वो
मादा था उनमें, वो हिम्मत थी, वो जज्बा था, और यही वजह है कि बिपिन रावत अमर रहे, उनकी छाप अमिट रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन रावत का नाम रहेगा, भारत माता की जय, ये जो तमाम नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं ये उनके सम्मान में लगाए जा रहे हैं। ये उनकी शख्सियत का वो हिस्सा है जिनका लोहा यहाँ पर हर कोई मानता रहा, और यही वजह है कि विदेश से भी यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं।